जो उन्होंने कहा बॉस इज ऑलवेज राइट, उनकी बात की बात मत करो। मैं तुम्हें बात कर रहा हूं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो सरकारी इंप्लॉयमेंट होती है। किरण खेर जी 4 महीने वहां प्रोग्राम करके आती हैं। मैंने आईपीएल को छोड़ दिया है, 70-80% मेरा टीवी खत्म हो चुका है। सवेरे 9-9:30 से मैं चालू होता हूं, शाम को 6 बजे, कई बार रात को भी काम करता हूं, संडे को भी काम करता हूं। लेकिन अगर मैं शाम को 6 बजे कहीं जाता हूं और सवेरे 9 बजे तक वापस आता हूं, तो व्हाट आई डू एट नाइट इज नोबडीज बिजनेस। वन, आई विल बी वेरी ट्रूथफुल टू माई जॉब। ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है और ये मेरा वचन है। कई बार आपको एक कोई सपना ऐसा मिलता है जो आपकी जिंदगी बन जाता है और आपका लोआ लोआ उस सपने को ब्रीद करता है। अगर आप देखें तो कैप्टन साहब की सरकार ने इतिहास रचा है। इतिहास कैसे रचा है? क्योंकि पहले कभी कांग्रेस ने 67 से ऊपर जाके नहीं देखा कि ठीक है, जो आतंकवाद था तब दूसरे थे ही नहीं सामने, तो रेस में ही एक था, वो बात अलग है। पहले कभी कांग्रेस ने 67 से ऊपर जाके नहीं देखा और पहले कभी अकाली दल ने भी 24 से नीचे जाके नहीं देखा। इसलिए ये बात याद रखना कि हमने इतिहास बनाया है। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ कैप्टन सरकार जैसे कांग्रेस वाले भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। बात खत्म।